नॉर्थ जो रीजन है, ठीक है, हिंदी बेल्ट पे तो बीजेपी स्ट्रांग है ही, लेकिन जो दक्षिण एरिया है वहां पर बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, और उसी के आधार पर इंडिया अलायंस भी जीत का दम भर रही थी। लेकिन अब जो आंकड़े बता रहे हैं, उसने तो चाहे केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, सिक्किम हो या फिर तेलंगाना ही क्यों ना हो, हर एक राज्य में बीजेपी की एंट्री को सुनिश्चित कर दिया है। सीटें बेशक से ज्यादा ना हो, लेकिन हाँ सीटें आनी तय है। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या नॉर्थ में भी अब बीजेपी का जादू चल चुका है? और ये सिर्फ एग्जिट पोल नहीं कह रहा है, बल्कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा और दक्षिण में भी बीजेपी का जादू चलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए। जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं मैं बार बार एक चीज कर रहा हूं कि विपक्ष हर बार गलत पकड़ता है और गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से वो गलत गंतव्य तक पहुंचता है, लेकिन विपक्ष इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं। और जब हमारे जैसे क्रिटिक्स यानी कि आलोचक जब उनको इस चीज के बारे में अवगत करवाते हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं उनको अपना दुश्मन समझने लगता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। आपने बात कही दक्षिण की, देखिए मैं आपको निश्चित रूप से आपको बताऊं, राजनीतिक रूप से किसी भी दल को प्रसार प्रसार प्रचार करने के लिए, अपने पैर पसारने के लिए तीन चीजें अनिवार्य होती है। पहली चीज होती है कॉन्टेक्ट विचारधारा, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से स्थापना हुई है उस दिन से इनकी कॉन्टेक्ट विचारधारा है, यानी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवादी की विचारधारा। दूसरी जो चीज होती है इसके अंदर वो होती है एक डायनेमिक लीडरशिप, यानी कि एक चमत्कारी नेतृत्व। इस तरीके से अभी अब दक्षिण के अंदर भाषाई समस्या आती है, इस वजह से जो नरेंद्र मोदी जी या केंद्रीय नेतृत्व है उसका वहां पे कोई बहुत बड़ा स्वीकारोक्ति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है, अब इसको क्या समझे? क्या ये भी मीडिया की रिपोर्ट है जो बीजेपी के कार्यालय में तैयार हुई है, जिस तरह से संजय सिंह कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ वही बताया जो जनता ने सर्वे के दौरान बताया था। निश्चित रूप से पूजा जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आदेश जी से लगातार मेरे हिसाब से कई महीनों से आदेश मेरे साथ कार्यक्रम में है, और मैं बार बार जब आदेश जी की बात कह रहा हूँ, जब ये बोलता हुआ आता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एज है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा लीडिंग पोजीशन में है, तो आदेश जी को ऐसा लगता है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन आदेश जी इस चीज को नहीं समझ रहे कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, सकारात्मक भूमिका नहीं करते भाई। जो मैं बात कर रहा था पहले वो कंप्लीट कर दूं, तो जिस तरीके से दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर के अन्नामलाई को अपनी लीडरशिप दी, और ये अन्नामलाई ने वहां पे डायनेमिक लीडरशिप का एक उदाहरण दिया। और तीसरी चीज जो होती है वो होता है धरातल के ऊपर संगठन। तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में इस संगठन के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, यानी कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा संगठन है नहीं, जिसका कारण ये है कि आज जितने भी एग्जिट पोल है या हमारी भी अनुमान जो है वो दो तीन सीटों पे जाकर के रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दो मोर्चों पे वहां अपने आप को मजबूत करती हुई दिख रही है, तो इस वजह से दक्षिण के अंदर भी वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही है। अब आ रहा हूं मैं उस चीज के ऊपर जो आपने सवाल किया, या मान लीजिए जिस चीज का हम चर्चा कर रहे थे, एग्जिट पोल जो होते हैं वो कोई एग्जिट पोल नहीं होते, लेकिन जैसे हमारे यहाँ नाड़िया वैद होते हैं वो नाड़ी देख करके बता देते हैं कि इसके अंदर शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और जिसके अंदर बुखार है तो उस बुखार का लेवल क्या होगा, 101 डिग्री होगा, 103 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, ताकि इस चीज का एग्जैक्ट परिणाम तब आता है जब उसका साइंटिफिक रूप से उसका टेस्ट करवाया जाए या थर्मामीटर से बुखार नापा जाए। लेकिन जो संकेत नाड़िया वेद देते हैं कि शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो ये एग्जिट पोल भी कदाचित वो ही एक समझ लीजिए विधि है कि आपको दे देंगे जनता किस तरफ जा रही है। अब आता हूं इस बात के, देखिए निश्चित रूप से मैं इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि जनता के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता को परेशान करके बैठे हुए हैं। उसके अंदर जिस तरीके से बोला जाता है कि बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक का, या महिला सुरक्षा का, या कानून व्यवस्था का, निश्चित रूप से ये मुद्दे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझने के लिए कि कौन आदमी किस मुद्दे पे वोट देता है ये तय नहीं है। 140 करोड़ का देश है और हर एक व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे हैं। कोई व्यक्ति एक दारू के पवेला भी वोट देता है और कोई व्यक्ति 1947 के पीछे भारत के लिए वोट देता है। कोई व्यक्ति इसलिए वोट देता है, मेरे गली नहीं बनी, कोई इसलिए वोट देता है कि फलानी जगह इतनी शानदार रोड बन गई, यानी हाईवे बन गया। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप ये मान करके बैठ जाएंगे कि एक ही मुद्दे पर सारे के सारे लोग वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है वो ये मैं आपको बता दूं
कि जितने लोग पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो निराश थे, वो लोग उससे ज्यादा निराश कहीं ना कहीं विपक्ष से विपक्ष थे। क्यों? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से तर्कहीन बातें, या यूं कहेंगे तो जिसको कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड या दोहरा मापदंड जिस तरीके से करता हुआ दिखता है, वो इसलिए क्योंकि पूजा जी आपको समझनी पड़ेगी कि आप कोई अगर किसी चीज की प्रॉब्लम बताते तो आपको उसके साथ सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा। आपने ये तो कह दिया, बिल्कुल, देखिए समस्या के समाधान के साथ ही आप जनता के मन में अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास मुद्दे ऐसे हो जो जनता को भी महसूस हो कि ये मुद्दे सटीक है और इन पर काम करने की नियत आप रखते हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ वक्त